और यहाँ पर मास कितना है, 500 ग्राम्स का मास है, यहाँ पर मास कितना है, 50 ग्राम्स का मास गिवन है, और ये कितना है, 100 ग्राम्स का मास गिवन है। ठीक, करें स्टार्ट। थीटा, ओके, थीटा इज कितने डिग्री, 30 डिग्री आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले कुछ चीज़ों का आंसर दो। सबसे पहले यहाँ पर इस रस्सी में और इस रस्सी में टेंशन सेम होगी कि डिफरेंट होगी? सेम होगी। आपको लगता है कि वो एक ही रस्सी चल रही है, एक ही स्ट्रिंग है, मतलब ये यहाँ से चली और ऐसी आ गई? नहीं, बीच में क्या आया, ब्लॉक। आपको लगता है दो स्ट्रिंग्स लेनी पड़ी होंगी आपको, तो टेंशन भी फिर डिफरेंट होगी ना, सेम कैसे हो सकती है? टेंशन सेम तो तब होगी जब एक ही स्ट्रिंग घूमेगी। तो यहां यहां पे टेंशन टी एंड टी चलेगी, मतलब हर तरफ टी एंड टी, और लेट अस सपोज यहां पर टेंशन टी डैश एंड टी डैश होगी। कोई डाउट इसमें? तो मान लो यहां पे टेंशन टी डैश है, यहां पर टेंशन टी है, होगी पेयर में, कोई डाउट? पहला स्टेप क्लियर है, तो प्लीज डिसाइड करना देखो पहले कि टेंशन सेम होगी या टेंशन डिफरेंट होगी। तो इसमें डिफरेंट होगी, ठीक। नेक्स्ट, इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, नीचे। कितना एक्ट करेगा बोलो, 500 जी, ये ग्राम्स है तो 500 इंटू जी। इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, नीचे, कितना, 50 इंटू जी। ये भी स्टेप क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, इसका वेट कितना एक्ट करेगा, नीचे, 100 इंटू जी, और ये जो एंगल बनेगा बोलो कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा, 100 जी इंटू कॉस ऑफ 30, और इस तरफ 100 जी इंटू साइन ऑफ 30, और इस नॉर्मल रिएक्शन आर। कोई डाउट इसमें? ठीक, यहां तक फोर्सेस सारी क्लियर है? हंड्रेड जी कॉस 30 और साइन 30, क्यों? अगर तो ये नहीं बनाएगा तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम की फोर्स कैसे बनेगी हॉरिजॉन्टल में? ठीक, तो एक काम करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये 500 जी नीचे आ रहा है विद सम एक्सेलेरेशन ऑफ ए, ये इस तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए। ठीक, फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ये देख रहे हो, तो ये क्योंकि नीचे आ रहा है तो इक्वेशन बोलो 500 जी माइनस टी डैश इज इक्वल टू 500 ए। इक्वेशन नंबर वन क्लियर? अच्छा, अब बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसको कौन सी फोर्स आगे लेके जा रही है, टी डैश, कौन सी फोर्सेस अपोज कर रही हैं, टी एंड 100 जी साइन 30। तो इक्वेशन टी डैश माइनस टी प्लस 100 जी साइन 30 इज इक्वल टू 100 इंटू ए। सेकेंड इक्वेशन क्लियर है? टी डैश बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्सेस मास इनटू एक्सेलेरेशन, और ये ब्लॉक कहां जा रहा है, ऊपर, ऊपर जा रहा है, तो टी माइनस 50 जी इज इक्वल टू 50 इनटू ए। तीन इक्वेशंस क्लियर है यहां तक? डाउट इसमें? आपको क्या निकालनी है, एक्सेलेरेशन, फ्रिक्शन तो है ही नहीं इसमें, अब तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करोगे टी एंड टी, टी डैश क्या हो जाएगा, कैंसल, निकालो, सॉल्व करो, ए मार्क करो, तो आपका आंसर सी आना चाहिए, चेक करो, और जिनका हो गया वो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन करो, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
direction. Yeah, I think we can try it. You want to start? That is pretty good. Yeah. You are listening to Takeaway Chinese with myself, Noble, Jessica, and Taro. Coming up next, let's talk about all that related with cars and what do different cars. समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर टू, कितने लोगों का आंसर सी आ गया? सी ऐसे कैसे नहीं आया? नहीं, इसका आंसर तो सी आ रहा है जो मैंने लिखा हुआ है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर टू में एन एलिवेटर एंड लोड हैज अ मास ऑफ 800 kg। ठीक, तो एक एलिवेटर है, लिफ्ट है, और उसके अंदर जो भी मास है उसका टोटल मास 800 kg है। फिर वगैरह एलिवेटर इज ऑरिजिनली मूविंग डाउनवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू बोलो कितनी है, 10 m/s, एंड स्लोज डाउन। अब वो अपनी स्पीड को स्लो कर रहा है, और कब तक स्लो कर रहा है, जब डिस्टेंस कितना कवर हो गया, 25 m, और फाइनल वेलोसिटी बोलो कितनी हो गई, बोलो फाइनल वेलोसिटी कितनी। क्वेश्चन नहीं पढ़ते, उसने बोला स्लोज डाउन टू स्टॉप, आपका मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो कितनी रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बोले कि एक्सीलरेशन बोले, रिटार्डेशन, क्योंकि स्लो डाउन हो रहा है, तो रिटार्डेशन निकालने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × a × s। वी की जगह जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 10 2, 2 × a × s की जगह 25। बोलो ए कितना आ रहा है, -2 आ रहा होगा, तो यानी कि ये लिफ्ट नीचे आने में क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। तो क्या मैं यहां एरो ड्रॉ कर लूं रिटार्डेशन का, ए इज इक्वल टू -2 m/s² कोई डाउट इसमें? अच्छा, फिर हमें क्या निकालना है, टेंशन टी, तो टेंशन पेयर में ड्रॉ कर ले, यहां पर क्लियर है? अच्छा बताओ वेट नीचे की तरफ कितना है, 800 g, क्लियर है यहां तक? अच्छा ये लिफ्ट कहां आ रही है, नीचे की ऊपर, नीचे। इक्वेशन बोलो क्या बनेगी, 800 g आगे माइनस टी इज इक्वल टू 800 × और ए की जगह क्या पुट करेंगे, -2। बिल्कुल ठीक, 800 × -2 कितना आंसर आ रहा है, चेक कर लो, 9600 न्यूटन इज द आंसर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अपनी शीट में डाल दिया था, हमने लास्ट टाइम कर लिया था, इसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हमने कर लिया था, किया तो हमने फिफ्थ भी था, और फिफ्थ मैंने जो क्वेश्चन करवाया था वो वेरिएबल्स के साथ करवाया था, थीटा, साइन, कॉस। मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने लोगों को याद है और कर सकते हैं। करो, बनाओ डायग्राम फिफ्थ का।
किसी का आंसर? कितने लोगों ने इसका रजिस्टर तैयार किया फ्रिक्शन का? वैसे अभी तक सारा कंप्लीट है, कंप्लीट है, बहुत कम है। अगली बार हर किसी का रजिस्टर फ्रिक्शन तक का कंप्लीट होना चाहिए, और बात नहीं करनी, बात नहीं करनी, हर किसी का फ्रिक्शन कंप्लीट होना चाहिए, और जितना भी फ्रिक्शन करवाया पूरे का पूरा, और एक होमवर्क भी दूंगा शीट, वो भी कंप्लीट होनी चाहिए, प्रॉपर डायग्राम्स होने चाहिए, और बिल्कुल फेयर उससे करना है। ये नहीं है कि रफ बेकार बेकार सा तैयार करके ले आए, प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेक्टर कहाँ लगेगा, ठीक। तो प्रैक्टिस करो तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, नहीं तो लगता रहेगा कि हमें क्वेश्चन देखा लगता है लेकिन कर नहीं पाओगे। देखो मेरे हिसाब से बी आना चाहिए, और इसका डायग्राम ऐसा बनता है मेरे हिसाब से कि अगर ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक का मास 1 kg है, 1 kg, और ये रेस्ट पे है। कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टेबल और इस ब्लॉक के बीच में म्यू कितना गिवन है? 0.5 गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की वैल्यू बताओ इसमें कितनी है, जो कितने एंगल पर लग रही है? 60 degree विद दी हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितनी फोर्स बनी, कितने एंगल पर बनी? 60 degree। एंड जस्ट स्टार्ट द ब्लॉक मूविंग, उसने क्या बोला? जस्ट स्टार्ट। आपको नहीं लगता ये वर्ड हमने पहले पढ़ा हुआ है? इसका मतलब क्या होता है? एक्सेलेरेशन 0। मैंने अपनी शीट में लिख के दिया, मैंने लास्ट टाइम अंडर, और मैंने बोर्ड पे भी लिखा था पिछली क्लास में कि जस्ट स्टार्ट या जस्ट स्टार्ट मूविंग का मतलब एक्सेलेरेशन क्या लेना है? 0 विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बस अपनी जगह से हिला दिया और कुछ नहीं किया, कोई डाउट इसमें? ठीक। तो अब इस केस में आप ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? फोर्स के दो कॉम्पोनेंट्स, याद है? तो फोर्स के हमने दो कॉम्पोनेंट्स लेने हैं। पहला कॉम्पोनेंट बोलो कितना? एफ कॉस 60। दूसरा कॉम्पोनेंट बोलो एफ साइन 60। कोई डाउट इसमें? और फोर्सेस बोलो, बॉडी का वेट कितना लगेगा? 1g नीचे की तरफ, और बदले में क्या मिलेगा? नॉर्मल रिएक्शन आर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो आर ऊपर, 1g नीचे, और फोर्स के दो कॉम्पोनेंट्स। अच्छा, बॉडी कहां मूव करेगी? राइट की लेफ्ट? राइट, कौन सी फोर्स बॉडी को राइट मूव करवाएगी? एफ कॉस 60। कौन सा वेक्टर राइट की तरफ है? एफ कॉस 60। तो एफ कॉस 60 फोर्स राइट मूव करवाएगी, और फ्रिक्शन कहां ऐड करेगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। और कितनी? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। कोई डाउट इसमें? अच्छा, ये बताओ इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? उसके लिए ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस, यानी कि आर प्लस एफ इंटू साइन ऑफ 60 मस्ट बी इक्वल टू वेट, वेट कितना है? 1g। तो r की वैल्यू क्या आएगी? 1g माइनस एफ इंटू साइन ऑफ 60। और अगर ये बॉडी आगे एक्सलरेट करती, कौन एक्सलरेट करवाता? एफ कॉस 60, और पीछे अपोज कौन करती? फ्रिक्शन। तो इक्वेशन क्या बनती? एफ कॉस 60 माइनस फ्रिक्शन इज मास इंटू एक्सलरेशन, लेकिन यहां पर एक्सलरेशन क्या है? 0। इसका मतलब आगे की फोर्स एफ कॉस 60 इज इक्वल टू पीछे की फोर्स एफ, एफ इंटू कॉस ऑफ 60, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। एफ इंटू कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, कितना निकाला हमने? 1g माइनस एफ इंटू साइन ऑफ 60। क्लियर है? सॉल्व करो इसे। आपको इस क्वेश्चन में एफ निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, आपको म्यू भी गिवन है, कितना? 0.5। एफ निकालो कितना आ रहा है, चेक करो ऑप्शन नंबर ABCD में से बी आ रहा है। कितनों का बी आ रहा है? बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, एक बार प्लीज चेक करो, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? Thank you.
strange places, but they might hurt you. So if you get into a black cabin, then I don't make you really आंसर आ गया इसका सी कितना बी ऑप्शन देखो है ना आ गया कितनों को आ गया बी ठीक क्वेश्चन नंबर सिक्स मैंने अपनी असाइनमेंट में फोर्स के असाइनमेंट में खुद सॉल्व किया ये कहते हुए कि ये बहुत बार मेंस और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और ये है एनसीईआरटी की किताब से मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसको कर पाते हैं बनाओ डायग्राम और ट्राई करके बताओ कितने कर लिया वैसे आ गया ये ऑप्शन बहुत बढ़िया देखो जरा प्लीज
कितने लोगों का ये क्वेश्चन हो गया और आंसर आ गया, और कितनों को ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, और कितनों को ऐसा लग रहा है किया तो हुआ है पर लेकिन हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों ऐसा ही लग रहा है। जब आप कंपटीशन से बाहर निकलेंगे ना, 50% लोग सिर्फ इसी पछतावे से बाहर निकलेंगे, काश मैं ठीक तरह शीट्स को पढ़ लेता तो आज मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे ही आने हैं, क्वेश्चन शीट्स में से आने हैं, क्योंकि शीट 3-4 बुक्स में से लिखी जाती हैं और बहुत शीट्स हैं, आपके पास ही हैं, कोई छुपी बात थोड़ी ना, बहुत शीट्स हैं। प्लीज़ इसको लिख लेके प्रैक्टिस करो, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरीके से अपने टाइम को ख़राब नहीं करो। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। अगर आपको क्लियर करना है कंपटीशन या एनसीईआरटी का पेपर भी, तो पढ़ के ही होगा। स्कूल का पेपर भी पढ़ के ही होगा क्लियर, बिना पढ़े नहीं होगा। ठीक, तो मैं तो रजिस्टर अब हर बार चेक करने की सोच ही ली मैंने, अब तो मैं हर बार रजिस्टर चेक करूंगा ही करूंगा। तो जो भी मैं काम दूंगा वो आपने हर बार चेक करवाना ही करवाना है। तो अगली बार ये फ्रिक्शन तक का सारा काम करके आना। देखो, ऐसे भी नेक्स्ट टाइम सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो रहा है हमारा, और उससे तो हमने ट्रैक बिल्कुल ही चेंज कर देना है, लिखवा लिखवा के प्रैक्टिस करेंगे। देखो, सपोज क्वेश्चन नंबर 6 में देयर इज अ वॉल, ध्यान आगे, देयर इज अ वॉल एंड 100 ग्राम ऑफ आयरन बॉल, एक बॉल है और बॉल का मास कितना है, 100 ग्राम है, मतलब 0.1 केजी है। बॉल आती है, टकराती है और वापस आ जाती है। बॉल का एंगल वर्टिकल के साथ 30 डिग्री गिवन है और वापसी का एंगल भी एग्जैक्टली सेम है, 30 डिग्री गिवन है। ठीक, 30 डिग्री पे आती है, स्ट्राइक करके 30 डिग्री पे चली जाती है। तो इसके अंदर ये दीवार है जहाँ से इसकी कोलिजन होती है और ये चली जाती है। तो बॉल अगर mv, मास m है, बॉल की वेलोसिटी भी गिवन है, v कितना गिवन है, 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो बॉल अगर mv मोमेंटम से आती है और mv से ही वापस चली जाती है, ये भी गिवन है इसमें, mv से आई, mv से गई। फिर अगर आपको थोड़ा सा और याद हो तो हम इस क्वेश्चन में मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स लेते थे, क्योंकि इसमें xy प्लेन में क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते थे, और हाँ, कितनी देर में, कितने टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में है बॉल, 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्टैक्ट में है। तो फोर्स की वैल्यू एक्स एक्सिस में क्या लगेगी, ये लगेगी चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। तो ये क्या आ जाएगी, एवरेज फोर्स आ जाएगी, एवरेज फोर्स। सिमिलरली एवरेज फोर्स वाई एक्सिस में क्या आएगी, डेल्टा पी वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। गुड आउट इसमें, ठीक, एक्स और वाई एक्सिस की फोर्स निकालें। तो पहले चेंज इन मोमेंटम एक्स में निकालना पड़ेगा, फिर चेंज इन मोमेंटम वाई में निकालना पड़ेगा। ठीक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जाने के लिए मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स, इनिशियल मोमेंटम है, दिस इज एम वी, और ये फाइनल मोमेंटम है, दिस इज अगेन वेक्टर एम वी। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री है। तो एम वी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट एम वी कॉस 30 और एक एम वी साइन 30। क्या स्टेप क्लियर है, एम वी कॉस 30, एम वी साइन 30। तो ये मैंने इनिशियल मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स बना लिए, एम वी कॉस 30, एम वी साइन 30। ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद ये एम वी है, फाइनल मोमेंटम है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एम वी कॉस 30 और एक इस तरफ कितना, एम वी साइन 30। ठीक है यहाँ तक। तो एम वी के दो कंपोनेंट्स हो गए, एम वी कॉस, एम वी साइन। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर चेंज इन मोमेंटम एक्स एक्सिस में देखते हैं। एक्स एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम ये है, एक्स एक्सिस में फाइनल मोमेंटम ये है। तो एक्स एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम बोलो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम विच इज एम वी साइन ऑफ 30 माइनस इनिशियल मोमेंटम, बोलो इनिशियल मोमेंटम में क्या आएगा, एम वी साइन 30 विद नेगेटिव साइन। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि एक मोमेंटम राइट है, एक मोमेंटम लेफ्ट है। तो अगर इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जब मैं माइनस करूंगा इसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, तो साइन क्या लगेगा, माइनस, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है, 0.1।
तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 2 mv sin 30 डिवाइडेड बाय 0.1। तो आपको इसमें मास की वैल्यू गिवन है 0.1, वेलोसिटी गिवन है 10 into sin 30, हाफ है बाय 0.1, यहां से आंसर आ गया। फिर वाई एक्सिस की फोर्स भी तो आएगी, वाई एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम बोलो फाइनल कितना है, एम वी कॉस ऑफ 30, इनिशियल कितना है एम वी कॉस ऑफ 30। पर मैं अब यहां डायरेक्शन के लिए माइनस नहीं लगाऊंगा बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक। तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या जाएगी, 0। तो फोर्स किस एक्सिस में एक्ट करेगी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है, यहां तक याद आ रहा है, ऐसा कुछ किया था हमने, ठीक। समित ठीक है यहां तक? और ये बिल्कुल ना सोचें कि पता नहीं कौन सा कंपटीशन का क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी की जो प्रॉपर बुक है उसका ये प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी आएगा, यही नीट में आएगा और यही मेंस में आएगा। एडवांस का लेवल जरूर डिफरेंट है, बाकियों का लेवल सब सेम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, चेन वाला क्वेश्चन अगर याद हो तो शायद हमने किया हुआ है। चेन वाली प्रॉब्लम अगर याद हो, वो मैंने आपको वेरिएबल की फॉर्म में करके दिखाई थी, वाई मैक्स, ये न्यूमेरिकल है। मैं चाहता हूं कि आप प्लीज अपना कॉन्सेप्ट इसमें लगाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालें, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। फिर से क्या हुआ क्वेश्चन है ना यार, चंद्रयान 2 के लैंडर
17.3 लाख ड्यूटी पर 3 अगस्त 2019 को धरती को देखा। गौरतलब है कि देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये आपके पास एक टेबल है, इसके ऊपर चेन है जिसका कुछ हिस्सा हवा में लटक रहा है। ठीक, क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टेबल के ऊपर आपको गिवन है कितना, 0.25 गिवन है। एंड आपको ये बताना है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग ओवर वन एज ऑफ द टेबल। इस एज के यहां कितनी मैक्सिमम लेंथ हवा में लटक रही है, वाई मैक्स। मान लो मास चेन का एम ए और लेंथ एल ए, हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन जो हवा में लटक रही है, कितनी लेंथ हवा में लटक रही है, वाई मैक्स। फ्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ एल, इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं ना। और अगर परसेंटेज में निकालना है इसको 100 से मल्टीप्लाई। कितने लोगों को समझ में आ गया कि मुझे ये निकालना है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर एक ये भी तो बहुत प्रॉब्लम है ना कि ये पहले क्वेश्चन को समझना, इमेजिन करना, फिर देखना क्या निकालना है, फिर प्लान बनाना कैसे होगा, और फिर मैथ्स लगा के उसको सॉल्व भी करना। तो इसलिए थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले थोड़ी सी मुश्किल लगती है, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एक दो महीने के बाद यूज टू हो जाते हैं, फिर चीजें रिपीट होती हैं तो ठीक लगेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले ये बताओ कि इसमें ये चेन टेबल पे अगर रुकी हुई है तो किसने रोका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये नीचे गिरेगी तो किसकी वजह से, वेट ऑफ चेन विच इज हैंगिंग। ठीक, वेट ऑफ चेन विच इज हैंगिंग लिख सकता हूं इसमें, या हैंगिंग पोर्शन लिख सकता हूं इसमें। ठीक, तो अगर वेट ऑफ हैंगिंग पोर्शन जो भी इसका वेट है, ठीक, या अगर फ्रिक्शन की फोर्स वेट ऑफ हैंगिंग पोर्शन से ज्यादा है तो उस केस में ये चेन नीचे नहीं गिरेगी। कोई डाउट इसमें, यही रूल है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। वेट ऑफ द हैंगिंग पोर्शन क्या होगा, इसका वेट निकालें। अगर लेंथ एल है चेन की तो मास कितना है, एम। वन है तो एम डिवाइडेड बाई एल, और अगर वाई मैक्स है तो फिर वाई एम डिवाइडेड बाई एल इंटू कितना, वाई मैक्स। तो इसका वेट क्या हो जाएगा, एम बाई एल इंटू वाई मैक्स, और इंटू क्या कर देंगे इसमें, जी। तो ये वेट आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, मास आ गया ना उसका हैंगिंग पोर्शन का, समझ में आ रहा है कैसे, हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, ऐसी मास निकलता है चेन्स का। तो चेन के मास को चेन के वेट से जी से क्या किया, मल्टीप्लाई। ठीक, अब इतने पोर्शन का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन, और ये लेंथ बोलो कितनी है, एल वाई माइनस वाई मैक्स। तो इसका मास क्या आएगा, अगर लेंथ एल, मास क्या है, वन है तो एम बाई एल, एल माइनस वाई मैक्स है तो कितना होगा, एम बाई एल इंटू एल माइनस वाई मैक्स। तो एक काम करते हैं, यहां पुट कर लेते हैं म्यू, नॉर्मल रिएक्शन की जगह बोलो कितना, एम बाई एल, एल माइनस वाई मैक्स इंटू कितना, जी, ग्रेटर देन इक्वल टू एम बाई एल वाई मैक्स इंटू कितना जी। क्या स्टेप क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो नॉर्मल रिएक्शन इतने पोर्शन का कैसे निकलेगा, समझ में आ रहा है, इस पोर्शन का वेट इंटू जी। तो यहां से एम बाई एल कैंसल, जी से जी भी क्या हो गया, कैंसल। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो ये वैल्यू आ गई इसमें। नेक्स्ट, म्यू इंटू एल माइनस वाई मैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, वाई मैक्स। एक काम करते हैं, एल माइनस वाई मैक्स डिवाइडेड बाय वाई मैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, वन बाय म्यू। यहां से एल बाय वाई मैक्स माइनस वन, वन बाय म्यू, ये समझ में आया, एल बाय वाई मैक्स, ये इसको डिवाइड करेंगे वन, एल बाय वाई मैक्स
ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस वन बाई म्यू, और म्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है 0.25। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे अगर, तो मुझे लगता है हमारे पास सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है चेक करना, 5 आ रहा है, 5 आएगा। और लेकिन हमने क्या निकालना है इसका रेसिप्रोकल, वो देखो, तो इसको उल्टा करते हैं, यानी कि वाई मैक्स डिवाइडेड बाई एल, तो ये इन इक्वालिटी क्या हो जाती है चेंज। याद रखना, अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा इन इक्वालिटी चेंज, तो ये जो वैल्यू है दैट इज वाई मैक्स बाई एल लेस देन इक्वल टू 1/5, का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी इक्वल टू 1/5 है, अदरवाइज वैल्यू इससे कम ही है, तो क्योंकि वर्ड मैक्सिमम यूज कर रहे हैं तो यहां पर इक्वल टू लगा लें, क्योंकि वाई मैक्स है, वाई मैक्स का मतलब कि लेस देन इक्वल टू 1/5 का मतलब लास्ट वैल्यू 1/5 है, और अगर 100 से दोनों साइड्स को क्या कर लें मल्टीप्लाई, तो ये टर्म कितनी आ जाएगी बोलो 20%। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना, यहां तक प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं, कोई नई टेक्निक नहीं है, वही टेक्निक जो आपकी शीट में लिखी हुई है, सॉल्यूशन लिख के दिया हुआ है, टेक्निक लिख के दी हुई है, हर चीज लिख के दी हुई है, आपको सिर्फ घर जाके उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, देख के लिखना है, चाहे आप देख के लिखें और उसको समझ के जरूर लिखें प्लीज, ऐसे मत कॉपी करें, नहीं तो कोई उतना भी टाइम ना खराब करें, आराम से बैठ के दिमाग लगा के हर चीज ट्राई करनी है, राइट? क्वेश्चन नंबर 8, कितने लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन हमने देखा लगता है ऐसा कुछ लगता है, और कितनों को लगता है एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन तो नहीं, थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन किया है, किया है? कितने ब्लॉक्स थे उसमें? 3 शीट में था, 3 और एक पुली भी लगी हुई थी, वो तो मुश्किल था, ये इजी है, एक लाइन का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं इसको ट्राई करके देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं, करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर ली और सी आंसर आ गया, बस
और आना चाहिए था। करो, ट्राई करो, इनका हो गया, नेक्स्ट करते जाएं। कितने लोगों का एट्थ का सी आ गया, फिर से बताओ। ठीक है, रेशो कम है। देखो, फोकस करो, ध्यान नहीं दो इधर उधर। क्वेश्चन नंबर एट्थ में आपको यह गिवन है कि सपोज देयर इज अ ब्लॉक ए एंड देयर इज अ ब्लॉक बी। बी के नीचे फ्रिक्शन है और ए और बी की बाउंड्री में भी फ्रिक्शन है। ए एक रॉड या एक रस्सी के साथ कनेक्टेड है और ये मूव नहीं कर सकता, ये रेस्ट पे है। कौन मूव कर रहा है? बी मूव कर रहा है। बी क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि मैं फोर्स क्या अप्लाई करवा रहा हूं? एफ। को डाउट इसमें? तो अब इस केस में ब्लॉक जो ए है इसका मास कितना है? 100 kg। और बी ब्लॉक कितना है? 200 kg। ठीक। अब क्वेश्चन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, तो यहां पर म्यू भी गिवन है आपको। म्यू कितना है? 0.2। कहां पर? ए और बी की बाउंड्री में गिवन है म्यू। एंड बी एंड ग्राउंड के बीच में गिवन भी कितना कितना गिवन है? म्यू इज इक्वल टू 0.3। ये गिवन है। आपको क्या निकालना है? आपको मिनिमम फोर्स निकालनी है। या जब उसने बोल ही दिया कि फोर्स मिनिमम है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसमें क्या होगी? जीरो। भी कम से कम फोर्स बताओ कि बस बी अपनी जगह से हिल जाए। तो अगर मिनिमम फोर्स की बात कर रहा है तो एक्सेलरेशन इसके अंदर भी क्या होगी? जीरो। कोई डाउट इसमें? ठीक। अब ये बताओ, बी ब्लॉक मूव कहां करेगा? राइट की लेफ्ट? राइट, राइट। ठीक। बी अगर राइट मूव करेगा तो ए की तरफ से फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी? पीछे। बोलो कितनी एक्ट करेगी? म्यू। म्यू कितना है? 0.2। और बोलो या नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 100 × g। बस इसका वेट लगेगा। अच्छा, फिर ये बताओ, जब बी राइट मूव कर रहा है तो ग्राउंड भी इसे रोकेगा बाय अप्लाइंग फ्रिक्शन। कितनी? F2। बोलो कितनी? 0.3 × यहां का नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 200 + 100 यानी कि 300 g। कोई डाउट इसमें? ठीक। तो नीचे वाले ब्लॉक, क्योंकि ये तो मूव ही नहीं कर रहा, उसकी क्वेश्चन तो क्या ही बनानी। तो नीचे वाले ब्लॉक को आगे की फोर्स क्या मिल रही है? एफ मिनिमम। पीछे की फोर्स क्या मिल रही है? F1 and F2। और वैसे होना चाहिए था बी ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन, पर क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन क्या लेनी है? जीरो। जस्ट एबल टू हल्का सा मूव ही करवाना है तो एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब एफ ऑफ मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू F1 + F2। F1 की वैल्यू हमने निकाल ली 0.2 × 100 × g। F2 की वैल्यू हमने निकाल ली 0.3 × 300 g। सॉल्व कर लो आंसर। सिंपल है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज निकालनी है। कोई डाउट किसी को इसमें? हो जाएगा अब ये सॉल्व? आगे से हो जाएगा। असल बात तो ये है, कितने लोगों को लगता है कि नाइन्थ क्वेश्चन तो हमने किया ही हुआ है? मैंने शीट में यही एग्जैक्ट क्वेश्चन किया हुआ है जब मैंने दो केस बनाए थे, विदाउट फ्रिक्शन एंड विद फ्रिक्शन। तो ये मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन किया हुआ है। इसकी जगह आप क्वेश्चन नंबर 11th कर सकते हैं। अभी अभी किया मैंने बोर्ड पे 11th क्वेश्चन, बनता है ये तो करना चेन वाला क्वेश्चन। अभी फिर से चेन वाला क्वेश्चन करके देखें प्लीज।
और इस क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड लाइन है 11th क्वेश्चन में, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कैपिटल एल इज द मैक्सिमम पॉसिबल, कैपिटल एल की जगह स्मॉल एल करो, स्मॉल एल, कैपिटल एल इज द मैक्सिमम की जगह स्मॉल एल इज द मैक्सिमम करो क्वेश्चन में 11th में, सेकंड लाइन में कैपिटल एल नहीं है स्मॉल एल है। अब देश के 900 से अधिक भंडारणों को खबर किया है जो विश्व में अनाज भंडारण व्यवसाय में सबसे बड़ी इंजीनियर है। कंपनी के महाप्रबंधक श्री गौफंग ने बताया 小麦, 6,045吨, देखो इसमें ये फिर से एक बार टेबल, टेबल के ऊपर एक बार फिर से चेन, चेन नीचे लटक रही है, स्मॉल एल पोर्शन नीचे है, टोटल लेंथ एल है, मास मान लो एम है, तो ये लेंथ कितनी हुई एल माइनस एल, कौन बचाएगा फ्रिक्शन, कौन नीचे गिरेगा वेट ऑफ हैंगिंग पोर्शन, वेट ऑफ हैंगिंग पोर्शन एम बाई एल इंटू स्मॉल एल, सीधा लिख दूं एम बाई एल इंटू स्मॉल एल, तो चेन का मास पर यूनिट लेंथ लेके इसको स्मॉल एल से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे किया था अभी हमने, और इस केस में फिर वही बात फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू वेट ऑफ हैंगिंग पोर्शन, तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू वेट ऑफ हैंगिंग पोर्शन कितना है एम बाई एल इंटू स्मॉल एल इंटू कितना जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन एम बाई एल इंटू स्मॉल एल इंटू जी, और नॉर्मल रिएक्शन इस पोर्शन का क्या आएगा क्योंकि फ्रिक्शन तो यहाँ लग रही है तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसका वेट निकाल लेते हैं, इसका वेट क्या आएगा एम बाई एल इंटू एल माइनस एल इंटू जी, क्या स्टेप क्लियर है सीधा लिख दिया मास पर यूनिट लेंथ इंटू जी, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं एम बाई एल इंटू एल माइनस स्मॉल एल इंटू जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम बाई एल इंटू स्मॉल एल इंटू जी, जी से जी एम बाई एल कैंसल, तो म्यू इंटू एल माइनस एल ग्रेटर देन इक्वल टू एल, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एल एल माइनस एल, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसमें इक्वल टू लगा के एल बाई एल माइनस एल, ऐसा ऑप्शन है ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ, वही चीजें बार बार फ्रिक्शन और वही नॉर्मल रिएक्शन है, कोई डाउट इसमें ठीक, ठीक है अगले जो क्वेश्चंस हैं उनको करने से पहले कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे देंगे और फिर हम आगे चलेंगे ठीक, तो लिख लो जिसने लिखना है उसके बाद चलते हैं आगे, हो गया
उस क्वेश्चन का आंसर मैं जब से पढ़ा रहा हूँ आज तक तो कोई दे नहीं पाया, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। और अगर आप दे गए तो मतलब फ्रिक्शन क्लियर नहीं है, मोर देन क्लियर है। चलो क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग हो गया अब क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन इज